जो ज्यादा शोर करेगा सिर्फ उसी को मिलेगा, याद रखिएगा जी जी, जो ज्यादा शोर करेगा सिर्फ उसी को मिलेगा। हम और ज्यादा ओके। अच्छा टाइम है ज़ियाफ़त का, हम यहाँ पर आए हैं। आज क्या बना रहे हैं? हम हैदराबादी चिकन बना रहे हैं और देखते हैं कि आप कितना जल्दी बना सकते हैं। आप में से किसी ने हैदराबादी चिकन कभी बनाई है? हाथ उठाइए। नहीं बनाई तो अभी सीख लो जी, बताइए। ओके, यहाँ पे बोनलेस चिकन है जो मैरिनेट हुआ है अदरक लहसुन के पेस्ट में, लाल मिर्च में, काली मिर्च में और हल्दी में, ठीक है। इसके अंदर यहाँ पे अंडा फेटा हुआ है, इसके अंदर आप 4 टेबलस्पून चावल का आटा डालेंगे, 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर डालेंगे। एक सेकेंड, 4 टेबलस्पून ये चावल का आटा है या कॉर्नफ्लावर है? ये कॉर्नफ्लावर है। 2 टेबलस्पून डाल दिए, ओके यस प्लीज। और 4 वो वाले, 4 ये डाल दिए। देखिए जी हैदराबादी चिकन बना रहा हूँ मैं। ओके, मिक्स। ओके, फिर आप इसको मिक्स करके उस पर डालेंगे। एंड इन द मीन टाइम मैं यहाँ पे इसकी चटनी स्लैश सॉस स्टार्ट करती हूँ। अच्छा, ये चिकन मैरिनेट करने का तरीके कर क्या है? चिकन के अंदर हम पिसा हुआ अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून, ओके, हसबे जायका, लाल मिर्च, काली मिर्च, नमक और हल्दी, ओके, और लेमन जूस, ओके, आई फॉरगॉट अबाउट द लेमन जूस डाल के इसके अंदर डाल देंगे, ठीक है। यू कैन एक्चुअली ऐड अ लिटिल बिट ऑफ वाटर इफ यू फील इट्स टू थिक। इट्स थिक। तो आई थिंक हम थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं ना इसके अंदर? बिल्कुल। ओके जी, ये हैदराबादी चिकन है जो मैं बना रहा हूँ, एंड आई होप दैट यू पीपल लाइक इट। बहुत सुपर स्पाइसी होता है, इट्स आल्सो कॉल्ड चिकन 65। चिकन 65, ओके, इट्स अ वेरी वेरी फेमस डिश। ये नॉर्मली रेस्टोरेंट्स में मिलता है या घर में बनता है? ये इंडियन रेस्टोरेंट्स में बहुत फेमस है। इंडियन रेस्टोरेंट्स में, ओके जी। इसको मिक्स। दिस इज हैदराबादी चिकन एंड वी गोना स्टार्ट डीप फ्राइंग एंड दैट्स इट। यहां पे तेल गरम हो रहा है बहुत सख्त तेज, और इसको हम एक एक बोटी डाल के डीप फ्राई करेंगे। परफेक्ट, यस, ओके जी। ये मैंने बोटियां डालना शुरू कर दी हैं, एंड लेट्स सी अगर इफ आई कैन इवन फ्राई इट, आई थिंक आई विल बी एबल टू। हाँ, इसके बाद सॉस बनाएं। सॉस भी बनानी है जी इसकी? ये मुझे बनानी पड़ेगी, आप बनाएंगे? मैं बनाऊं या आप बनाएंगे? नहीं, I'll make it. Okay. Yes, I'll make it. Just the sauce ingredients together for you. अच्छा, ये हैदराबादी चिकन नॉर्मली खाई कैसे जाती है? रोटी के जरिए? ये funnily enough it's kind of dry, और बहुत लोग इसको चावल के साथ खाते हैं। Oh, wow. रोटी के साथ नहीं। Okay. उबले हुए नॉर्मल चावलों के साथ। आई थिंक मुझे ना एक फ्राइड चिकन की डिश याद आ रही है जो जापानीज होती है, इट्स कॉल्ड खारागे, वो कुछ इसी तरह से बनती है। जी है ना, इट्स ड्राईश, ओके, सॉर्ट ऑफ, ओके जी। व्हाट यहां पे दूसरे वाले पैन के अंदर थोड़ा सा तेल डाला है, इसके अंदर आप 1 टेबलस्पून ये पेस्ट डालेंगे, ओके, स्टर, सॉरी, हियर यू गो। इसके अंदर आप, इट्स ऑलराइट, दही डाल दिया, ओके, ओके, लाल मिर्च, हसबे जायका, गो स्लो, हम इसमें 3 तरह की मिर्चें डाल रहे हैं, हसबे जायका, ओके, काली मिर्च, ओके, जीरा, नमक, हरी मिर्च, राइट देयर नेक्स्ट टू यू, और कड़ी पत्ता आल्सो नेक्स्ट टू द हरी मिर्च। अच्छा, हरी मिर्चें तो कितनी भी डाली जा सकती है ना, बिकॉज़ यू आर सेइंग दैट इट्स स्पाइसी। Yeah, it's very spicy actually, क्योंकि 3 तरह की मिर्ची होती है, super spicy. And इसके अंदर एक चुटकी आप बस डाल चीनी की, चीनी की चुटकी डालने से आपको उसकी जो स्पाइसीनेस है वो फील होगी, different 4 तरह की जो different spices है. Okay. And इसको high heat पे we're just gonna wait कि इसका जो दही है वो break करना शुरू कर दे protein. दही को अगर आप धीमी आंच पे पकाते हैं, सब कड़ी पकाते हैं, तो दही की प्रोटीन जो होती है वो अलग नहीं होती, मगर अगर उसको तेज़ आंच पे पकाएंगे तो उसकी जो प्रोटीन है वो अलग अलग हो जाती है, स्टार्ट्स लुकिंग अ बिट लाइक कीमा। सो दैट्स व्हाट वी आर वेटिंग फॉर। सो आई थिंक दिस इज गुड, क्या हो जाएगी? जी जी जी
और ये तेज आंच पे पकती रहे इतनी मीन टाइम में. अच्छा अभी चिकन में भी. अच्छा इन द मीन टाइम मैं जरा कर्शी वालों के पास चला जाऊं, आप यहीं रहिएगा. एंड लेट्स सी, इसको अभी चिकन पूरी नहीं हुई है, इसको बनाना है. लेकिन राइट नाउ आई एम गोइंग टू जामे शीरी. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? डॉक्टर फजल साहब आ गए, बहुत सारी तालियां डॉक्टर फजल के लिए. और कर्शी का जामे शीरी आपको पता है कि ये बहुत मेरा फेवरेट सेगमेंट होता है, क्योंकि कर्शी का जामे शीरी आप 100% खालिस अरकिया से मिलके बना हुआ है. कोई प्रिजर्वेटिव जो है वो इसमें शामिल नहीं है, 100% खालिस है. दी नेशनल ड्रिंक ऑफ पाकिस्तान. सर जी क्या बना रहे हैं? जैसे पता है हम सबको कि मैंगो का सीजन शुरू हो चुका है, तो और अब हम बनाएंगे. जी बिल्कुल, सबसे पहले मैंगो लस्सी. जी मैंगो लस्सी. मैंगो लस्सी दूध डालेंगे, उसके बाद मैंगो. मैंने कितने मैंगो डालने? सारे डाल देंगे. नहीं यार सारे तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, हम 2-3 ग्लास बन जाएंगे इससे. अच्छा चलो चलो फिर सारे ही डाल देता हूँ. मैंने मैंगो सारे ही डाल दिए. और ये क्रीमी मैंगो लस्सी, इसमें हम क्रीम का ऐड करेंगे. ओके ये क्रीम कितनी? सारी डालेंगे. और इसके अलावा दही. और इसके बाद क्या है? दही डालेंगे, योगर्ट दही. थोड़ा सा दही छोड़ दीजिएगा ताकि गार्निश करेंगे उसके. ओके थोड़ा सा दही मैंने छोड़ दिया बिल्कुल, ताकि गार्निश कर लीजिएगा आप. इसके बाद शुगर. यस ओके. चीनी हंसबे जायका है. चीनी के अलावा इसमें हनी भी डाल सकते हैं ना? बिल्कुल. ओके ठीक है जी. ये सब डालने के बाद इसको हम ब्लेंड करेंगे. इसको हम ब्लेंड कर रहे हैं एंड हमारी मैंगो लस्सी जो वो तैयार हो जाएगी. तैयार हो जाएगी. ओह दिस इज नाइस. यस वेरी गुड. अच्छा लेकिन ये कर्शी जामे शीरी के बगैर कम्प्लीट नहीं होगी. नहीं बिल्कुल, ये कर्शी जामे थी मस्ट है, बिल्कुल लास्ट में हम ऐड करेंगे इसमें. मैंगो के बहुत फ़ायदे हैं, स्किन के हवाले से भी मैंगो बहुत यूज होता है, बहुत अच्छा है इसका जो है ना इस्तेमाल है. दिस इज हेवन. लुक एट दिस, लुक एट दिस द वे इट इज. वाओ क्या बात है जी. ओके डन. जो दही हमने छोड़ा था थोड़ी सी हम उसकी इसके टॉप पे गार्निश करेंगे. और बन गई. और बन गई. और लास्ट में बिल्कुल फाइनली जामे शीरी. ओह वाव. एंड दैट्स इट, दैट्स इट, दैट्स इट. इट्स अमेजिंग, इट्स अमेजिंग. हाँ जी थैंक यू इत्तेशाम, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया कर्शी का. एंड देन आई एम गोइंग बैक टू जो हमने रेसिपी शुरू की हुई थी. और रेसिपी किसकी थी? हैदराबादी चिकन की थी ना. इसका एक और नाम है चिकन 65. सो आई होप कि आप लोगों को याद हो. एंड हियर वी गो, प्लीज डू टेल. हो गया ये? ओके चिकन फ्राई हो गया. कैन यू स्टर योर सॉस? हो गया. सॉस आपकी थिक हो गई है राइट. एंड वी जस्ट गोना टॉस द चिकन एंड द सॉस एंड इट्स रेडी टू बी डिश्ड आउट. सॉस बहुत जल्दी थिक हो गई तो यू जस्ट हैव टू कीप ऑन स्टिरिंग इट वरना लग जाएगी दही. ओके आर यू इम्प्रेस्ड बाय माय स्किल्स? यस सुपर यार. आपको वैसे मेरे स्किल से इम्प्रेस होना चाहिए, आई एम सच अ गुड टीचर. ओके है ना? ओके या आप अच्छे स्टूडेंट हैं वैसे. क्विक स्टडी. थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया. एंड हियर वी गो, इट्स ऑल डन. या ऑल डन, ऑल डन. इट लुक्स लाइक ड्राईश. निकाल रहा हूँ. एंड एज यू कैन सी वाकई ड्राई होता है. आई कैन अंडरस्टैंड, आई कैन सी व्हाई पीपल वुड ईट विद राइस. राइस? या अच्छा मैं पंजाबी, आई वुड लाइक टू ईट दिस विद रोटी. नो नो नो, this this has to be with rice. But ye super spicy hota hai. Really? Comes with a warning. Oh, wow. Acha ab isme kuch aur karna hai? Garnish? Are we all done? Garnish with some lemon. Do I need to do this? Yep. Okay. Brilliant. Done. Okay, जी, look at this and this whole recipe is done. It is called chicken 65. और जब आप ये सब कुछ कर लें तो आपको करना क्या है? आपको यहाँ आना है और आपको अपने हाथ धोने हैं, because हाथ खराब हो जाते हैं. 99.99% आपके हाथ जो साफ हो जाते हैं वो लाइफ बॉय एक्टिव सिल्वर से हो जाते हैं. एंड 10 सेकंड के अंदर अंदर 99.99% जरासीम का खात्मा लाइफ बॉय एक्टिव सिल्वर कर देता है जी. प्लीज़
एक छोटा सा ब्रेक है, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले एक बात मैं आपसे और शेयर कर लूँ, और वो बात ये है कि रमज़ान में आपको पता ही है कि आपका दिल चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त आप इबादत के अंदर सर्व करें, लेकिन जब कभी आप अपने किचन की तरफ देखते हैं तो आपको ऐसा महसूस होता है जैसे बहुत सारी प्लेट्स पाइल्स की आपका इंतज़ार, प्लेटों की पाइल जो है वो आपका इंतज़ार कर रही है। उस वक्त आपने क्या करना है, उस वक्त आपने लेमन मैक्स लेना है, 3 गुना ज़्यादा ताकतवर है, बेहतर अंदाज में ग्रीस को काटता है। मेक श्योर दैट यू यूज़ इन योर किचन, इन योर ऑफिस, इन योर वर्क प्लेस, वेयर एवर यू आर, जब भी आपको क्लीनिंग की जरूरत पड़ेगी लेमन मैक्स इज योर ओनली चॉइस। कुछ कहना चाहती हैं आप? बिल्कुल। आर वी डन? यस वी आर। छोटा सा एक ब्रेक है जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद।